हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोकोनट कुकीज़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने रूम टेम्परेचर पे आधा कप बटर लिया है। इसमें हम एक कप पीसी हुई शक्कर डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर और शुगर के मिक्सचर को ये हमने अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए, ये एकदम स्मूथ हो गया इसकी कंसिस्टेंसी। है बाकी की सामग्री अब डालेंगे। एक पिंच हम नमक डालेंगे, इलायची पाउडर, एक कप नारियल का बुरादा। इसको मिक्स करेंगे। आधा कप मैदा डालेंगे हम इसमें और दो बड़े चम्मच आटा डालेंगे। आप चाहें तो आटे को स्किप करके मैदे का यूज कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें हम ये एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर मिक्सचर आपको गीला लगे तो आप मैदा और भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा कुकी डो बन के तैयार है, तो अब हम कुकी बना लेंगे। ये हमने एक बेकिंग ट्रे लिया है, इसके ऊपर बटर लगा के अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम कुकी बनाएंगे। कुकी बनाने के लिए इस तरह से हम डो को तोड़ेंगे। और इस तरह से हम बना लेंगे। आप किसी भी शेप और किसी भी डिज़ाइन का कुकी बना सकते हैं। इस तरह से हम पेड़े की तरह इसको बना लेंगे और थोड़ा सा चपटा करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे कुकीज़ को बना लेंगे। कुकीज़ को हमने बना के बेकिंग ट्रे पे अरेंज कर लिया अच्छे से। अब इसको हम 375 डिग्री फॉरेनहाइट पे बेक करेंगे। कुकी को हमने 15 मिनट तक बेक कर लिया है। ये देखिए, हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा ये कुकीज़ बन के तैयार हुआ है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम एयर टाइट डिब्बे में रख के आराम से 15 दिन तक खा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।